नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 1457 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,77,355 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 255 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अररिया में 61, अरवल में 25, औरंगाबाद में 18, बांका में 36, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 32, भोजपुर में 14, बक्सर में 20, दरभंगा में 19, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 56, गोपालगंज में 62, जहानाबाद में 24, कैमूर में 19, कटिहार में 41, खगड़िया में 26, किशनगंज में 25, लखीसराय में 24 शामिल है। अगर आपको अपने जिले की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बिहार में अब पर्व त्योहारों की लाइन लगने वाली है, वहीं कोरोना का कहर भी जारी है। ऐसे में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले पर्व को देखते हुए रेलवे की ओर से 100 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रही है। इस दौरान रेलवे की ओर से कुल 228 ट्रेनें चलाई जा रही है। दरअसल कोरोना को देखते हुए रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनें शुरू की गई थी। हालांकि रेलवे अगले महीने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात भी कही गई थी। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भीड़ को देखते हुए 100 नए ट्रेनों का चलाने का ऐलान किया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के सेटअप एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पूर्व विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर होने वाले सेटअप जांच परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि यह निर्णय बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने लिया है, जिससे छात्र और शिक्षक बेहद खुश है। इस निर्णय से छात्रों की गुणवत्ता के साथ कई तरह के लाभ भी होंगे। अगली बड़ी खबर, कोलकाता रांची टाटा पटना और बोकारो जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, पथ परिवहन निगम अपने तिलक मांझी बस स्टैंड से कोलकाता से रांची टाटा बोकारो व अन्य रूटों पर बस चलाएगा। लंबी दूरों की बसों को चलाने के लिए पटना से 25 दिन पहले क्षेत्रीय प्रबंधक ने रूट चार्ट मांगा था। यह रूट विभाग को भेज दिया गया है। विभाग भागलपुर डिपो के लिए नई बसों की खरीदारी की प्रक्रिया में है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक नए रूट पर चलाने के लिए भागलपुर डिपो को 15 नई बसें मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि अभी निगम बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, बांका और तारापुर रूट पर बसें चला रहा है। लॉकडाउन में पटना के लिए भी बस सेवा शुरू की गई थी। अगली बड़ी खबर, राज्य के लोगों को अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे मोबाइल ऐप से ही आप कुछ योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए विकसित मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को ऑनलाइन लॉन्च करने के बाद कहा कि आम जनता अब मोबाइल ऐप के जरिए विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकती है। तकनीक के इस युग में विभाग की लगातार कोशिश है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिले, ताकि कि उन्हें अधिक परेशानी ना हो। तो आपके लिए किन योजनाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सबसे पहला, उज्जवल दृष्टि अभियान के लिए दृष्टि ऐप का लॉन्च किया गया है। सामाजिक सुरक्षा जन शिकायत निवारण के लिए समाधान ऐप, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सम्मान ऐप, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण के लिए पहचान ऐप का लॉन्च किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा को लेकर है। जी हां, केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने अपनी वेबसाइट पर बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2020 की रिलीज के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने बिहार पुलिस के लिए आवेदन किया था, वे जल्द ही अपना प्रवेश पत्र cbse.bihar.nic की आधिकारिक वेबसाइट से अब डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। वहीं साथ में गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सभी उम्मीदवार के पास परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। बोर्ड 3 अक्टूबर को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2020 को जारी करेगा।
अगली बड़ी खबर, राज्य के ग्रामीणों को अब गांव मौजा के नक्शा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे बाद नक्शा शुल्क और 75 रुपये के डाक खर्च पर अपने घर पर आप नक्शा मंगा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस नई व्यवस्था से अंचल और सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शा के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। पटना अंचल सहित तकरीबन समूचे बिहार में भारी बारिश के आसार है। खतरनाक वज्रपात होने के भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। पश्चिम एवं मध्य बिहार में कुछ एक स्थान पर भारी से अधिक बारिश होने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में जरूरी अलर्ट घोषित किया है। इस तरह अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जेई एडवांस 27 सितंबर यानी कि आज आयोजित की जाएगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के 11 शहरों के 72 केंद्रों पर परीक्षा होगी। जेई एडवांस की परीक्षा आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर के विभिन्न सेंटर पर आयोजित की जाएगी। पटना में जेई एडवांस के लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना से छात्रों को बचाने व सुरक्षित परीक्षा के आयोजन को लेकर पहली बार 222 शहरों में 1155 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर सिवान जिले से है। भारी बारिश ने प्रखंड वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार 36 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद प्रशासन की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रखंड के ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर लगातार भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गोपालपुर से लेकर मुसेहरी तक हर जगह पानी भर गया है। उधर देवापुर में बांध टूटने से लोग दहशत में है। वहीं कई दलित परिवार बारिश के पानी में भीगते हुए जीवन बसर करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल द्वारा लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जल स्तर में लगभग 1 मीटर की बढ़ोतरी के साथ साथ गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर पानी कुछ तटबंधों के ऊपर से बहने को लेकर सारण बांध के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर एडीएम डॉक्टर गगन ने मसरक तथा मड़ोरा अनुमंडल में पदाधिकारियों के साथ तथा एडीएम विभागीय जांच भरत भूषण ने आमनौर परसा मकेर के बीडीओ व सीओ के साथ बैठक की। राजधानी की सड़क पर शुक्रवार से सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो गया। पहले दिन पटना नगर बस सेवा के विभिन्न रूटों पर सीएनजी बसों का परिचालन किया गया। पहली बार सीएनजी बसों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए एक नया व सुखद एहसास रहा। सीएनजी बसों के परिचालन पर यात्रियों ने परिवहन विभाग की सराहना की और कहा कि पटना में अब धुआं व प्रदूषण रहित बसों में सफर का सपना पूरा हो गया। आपको बता दें कि सीएनजी बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा के 5 मार्गों पर किया जाए। रूट नंबर 111 गांधी मैदान दानापुर बस स्टैंड पर 5 सीएनजी बसें, रूट नंबर 111 ए गांधी मैदान दानापुर रेलवे स्टेशन पर 5 बसें, रूट नंबर 222 गांधी मैदानपुर फुलवार शरीफ एम्स में 6 बसें, रूट नंबर 555 गांधी मैदान पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 2 बसें, रूट नंबर 333 गांधी मैदान से पटना विश्वविद्यालय पर 2 सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर गाइडलाइन तैयार कर रखी है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि फेक न्यूज पर पैनी नजर रखी जाएगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर रोक रहेगी और इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी तरह की दिक्कत पैदा होने पर उसके जांच के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारी कोशिश है कि चुनाव के दौरान किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। तो इस बार बिहार वासियों के लिए एक ही दिन आईपीएल और बिहार चुनाव का फाइनल देखने को मिलेगा। जी हां, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं 10 नवंबर को फैसला भी आ जाएगा। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट प्रेमियों को 10 नवंबर को आईपीएल के फाइनल मुकाबले को आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। 10 नवंबर को ही आईपीएल 2020 का खिताब कौन जीतेगा, इसका भी फैसला हो जाएगा।
अंत की खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस सीट पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी सीट पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की तरफ से ऐश्वर्या को टिकट मिल सकता है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इस विधानसभा चुनाव में महुआ सीट छोड़कर समस्तीपुर के हसनपुर से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू तेज प्रताप यादव को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या हसनपुर से चुनाव लड़ सकती है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।